सवेरे दांत साफ करने से रात को सो जाने तक हम एक अद्भुत रंगीन चीज से घिरे रहते हैं, जिसे कहते हैं प्लास्टिक। पार्क्स एंड साइन संश्लिष्ट प्लास्टिक के पहले रूप को 19वीं सदी में अलेक्जेंडर पार्क्स ने खोजा था। बदलते समय में ये हल्की, किफायती और टिकाऊ सामग्री कई अन्य रूपों में सामने आई, जैसे कि सेलुलॉयड, बेकलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नायलॉन और फाइबर। पूरी दुनिया प्लास्टिक के इस जादू में झूम उठी और इस आविष्कार को गले लगाया, पर बाद में ये सुनहरा सपना एक डरावना ख्वाब बन गया, क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण बन गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वेस्ट प्राकृतिक तौर पर नष्ट नहीं होता और हजारों वर्ष तक रह सकता है। वेस्ट वातावरण के लिए हानिकारक है। हालात और गंभीर हो गए हैं। बढ़ती प्लास्टिक की मांग ने कई पीढ़ियों के लिए प्लास्टिक वेस्ट छोड़ दिया है। इसके हानिकारक प्रभाव आज देखे जा सकते हैं। भारत 5.6 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन सालाना करता है। अगर अकेले दिल्ली की बात करें तो वहीं से 700 मेट्रिक टन सालाना उत्पादन होता है। भारत सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की अद्वितीय योजना के तहत साफ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा और अपिष्ट न्यूनीकरण रणनीतियां वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं कई स्वच्छ प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए। इसके लिए प्राथमिक शोध पूरी की जा चुकी है और प्रदर्शन के लिए पायलट लेवल पर हैं। अस्वीकृत व्युत्पन्न ईंधन का मूल्यांकन कर प्लास्टिक कचरे को इंजन ईंधन के विकल्प के रूप में करना एक परियोजना है। इसमें तेल निष्कर्षण कारखाना अन्नामलई यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थापित किया गया है। मंत्रालय से वित्त मिलने वाले इस पायलट कारखाने ने दो उद्देश्यों को पूरा किया है, वैकल्पिक ईंधन पैदा करना और प्लास्टिक कचरे को इको फ्रेंडली तरीके से निपटाना। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट सैंक्शनड 54 लाख इन दिस प्रोजेक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 इयर्स। It is a basically interdisciplinary project. There are two pollutants are there. One is called waste plastics, another one is called as a fly ash. Plastic ko tel mein badalne ke liye kai kadam lene padte hain. Plastic kachre ko crusher ke paas laya jata hai, jisme sabhi plastic kachre ke tukde kiye jate hain tel banane ke liye. Ye plastic ke tukde फेंके हुए प्लास्टिक सामग्री जैसे कि दूध और पानी की बोतलें, पेट बोतलें, कार्बोनेटेड पेय के कंटेनर, प्लास्टिक चेयर इत्यादि, प्लास्टिक को क्रशर में डाला जाता है, जो प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में बदलता है ताकि वो आसानी से मेल्टर में डाला जाए। मेल्टर प्लास्टिक के टुकड़ों को पिघलाता है और ये पिघली हुई सामग्री रिएक्टर में भेजी जाती है। रिएक्टर के अंदर हीटिंग कॉइल, दबाव नियंत्रक, तापमान सूचक और यांत्रिक दोषी मौजूद होता है और यांत्रिक दोषी मौजूद होते हैं। तापमान नियंत्रण कक्ष तापमान को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। कारखाने में रिएक्टर का इस्तेमाल मुख्य स्रोत को मिलाने में किया जाता है और प्लास्टिक इकट्ठा मिला लिया जाता है उत्प्रेरक खुर के लिए। इस कारखाने में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है उत्प्रेरक खुर के लिए। द फ्लाई ऐश इज वन ऑफ द पोल्यूटेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू इराडिकेटिंग द प्लास्टिक्स एंड पोल्यूटेंट लाइक फ्लाई ऐश। द फ्लाई ऐश हैविंग रिच इंग्रेडिएंट कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ अ लो कॉस्ट कैटलिस्ट एंड कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ क्रैकिंग, वन इज थर्मल क्रैकिंग, अदर वन इज कैटलिटिक क्रैकिंग। The thermal cracking is need a very high temperature, more than 500 degree to crack the plastic into useful oils. But the catalytic cracking, the temperature required is very very less, is around 200 degree, not more than that. The energy utilization for thermal cracking is very high compared to the catalytic cracking. That's why we are adapting the catalytic cracking for this
प्रोसेस। एक प्रतिक्रिया में तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बन को आने वाली पीढ़ियों के लिए संग्रहित किया जाता है एक वांछित उत्पाद के रूप में। हियर द क्रैकिंग प्रोसेस टेकिंग ओनली इन सिटू, दैट इज व्हाट यू कॉल विदाउट एनी ऑक्सीजन। उत्प्रेरक तापमान और प्रवाह की दर का इष्टतम स्थितियों के तहत बेहतर उपज देता है। इट इज नॉट ए पायरालिसिस, द पायरालिसिस इज एंटायरली डिफरेंट फेनोमेना। जस्ट यू हीटिंग एनीथिंग without any catalyst, that's what you call pyrolysis. You can get oil by the pyrolysis process also, but the problem is you are getting more gas rather than that oil. Nebulan Lignite Corporation से प्राप्त होने वाली fly ash को आदर्श माना गया है क्योंकि इसमें सारी जरूरत के गुण हैं, जैसे 60% सिलिका, 13% एल्यूमिनियम और 15% आयरन। कंडेंसर इकाई रिएक्टर से तेल वाष्प जमा लेती है और प्राप्त करने के लिए संघनित यह तेल कलेक्टर टैंक में एकत्र किया जाता है। इस कारखाने में तापमान प्रकार पैदावार का गुणवत्ता और उत्पादन बताता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल 100 डिग्री सेल्सियस, डीजल 150 डिग्री सेल्सियस। अंत में आसवन इकाई को पेट्रोल, डीजल और केरोसिन अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है अलग अलग तापमान पर। इस प्रक्रिया में 60% डीजल, 30% पेट्रोल और 10% केरोसिन और अन्य हाइड्रोकार्बन निकाली गई। बेकार प्लास्टिक तेल में सल्फर की मात्रा कम होती है, इसी वजह से वातावरण में प्रदूषण कम हुआ है। From the waste plastic, we are getting the diesel, low sulfur content. It's an excellent properties and high CTA number will be there. So compared to conventional diesel, it is a far better. It is meeting Euro 5 emission norms. In petrol engine, high octane and what emission level currently facing Euro 5, our vehicles are far better using these fuels because of the low sulfur content. Sulfur ki matra kam hone ke karan, engine zyada samay ke liye chal payega. और डीजल और पेट्रोल जैसे गुण दे पाएगा। अगर दूसरे ईंधनों की तुलना में देखें तो प्लास्टिक कचरे से निकला तेल किफायती है। नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल क्रैकिंग इनटू वेस्ट प्लास्टिक इनटू पेट्रोल और डीजल, बट आवर टेक्नोलॉजी इज वेरी चीपर। इज कॉस्ट वाइज 1 लीटर ऑफ डीजल वी आर गेटिंग 25 रुपीज, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल वी आर गेटिंग 35 रुपीज। सो बेसिकली 1 kg ऑफ प्लास्टिक कन्वर्ट इनटू 500 ml ऑफ डीजल एंड 300 ml ऑफ पेट्रोल, रिमेनिंग वी आर गैसेस फॉर्म। द गैस ऑल्सो कंबसिबल यूजिंग फॉर कुकिंग पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस और एनी अदर पर्पस आर यूजिंग। प्रयोग की जांच से पता चला कि प्लास्टिक कचरे के तेल से चलने वाले इंजन ज्यादा बेहतर हैं मील भत्ता, प्रदूषण उत्सर्जन आदि पारंपरिक ईंधन की तुलना में। इस प्रकार आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ लाने में यह परियोजना पर्यावरण प्रदूषण जो प्लास्टिक कचरे की विशाल राशि की वजह से है उसको हल करने में मदद करता है और गैर जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक प्रदान करता है ऑटोमोबाइल, कृषि और विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की इस पहल के साथ हम एक साफ और स्वच्छ पर्यावरण की उम्मीद करते हैं।